हमारे पास जो लोग पता है आपको सीखना है पहचाना है करना है रेडी कैसा लगा सभी को एक प्यारा सा मैजिक मिला है हमारे जो कि प्यारे से मेहमान आए हुए प्यारे प्यारे बच्चों के साथ तो बहुत यूनिक सा मैजिक है तो बच्चों आर यू रेडी हो जाए थोड़ा सा अभी करना क्या जैसे हम बताते हैं वैसे आपको करना है ठीक है बच्चों
अभी करना क्या है यहाँ पे, आपको हमारे पास आना है। तो बहुत यूनिक पहले पहले देश है हमारे देश में, हम बोलना चाहेंगे आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ वाले, और भी आ जाओ, फिर पहले पहले बच्चों जल्दी से आ जाओ मेरे सामने। तो पीछे भी जाना है, पीछे भी जाना है, पीछे भी जाना है, सीनियर सीनियर किसी को सबको लेना, सीनियर सीनियर किसी के पास, सीनियर सीनियर वो आ जाओ, सीनियर 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 सामने करना थोड़ा आगे रहना, जैसा हम करेंगे वैसा करना, मैं भी आपके बीच में आ रहा हूँ। ओके, आर यू रेडी? किसी का भी 500 रुपए या 2000 रुपए का नोट लेंगे, और 100 गुना, 200 गुना, 2000 गुना जितना आप बोलेंगे उतना बना कर देंगे। तो एनीवन कोई भी सर हमारे बीच में आ जाए जो 500 रुपए या 2000 रुपए का नोट बैंक को दे दे, या फिर कोई दे रहा है एनीवन, कोई जो हमारे परिवार से ना हो, जो हमारे प्यारे मेहमान में आया हो, आप याद रखेंगे हमें भी। एनीवेरी कोई 500 रुपया 2000 रुपया का नोट जल्दी लाइए साहब का पास। हाँ सर आइए, क्या पा रहे सर, सर काम करते 500 रुपये का नोट का फोटो क्लिक कर लीजिए सर, जल्दी आइए, जरूरत है आपकी। ये सर बहुत दूर से हाथ दिखाया, सर फोटो क्लिक कर लीजिए, नोट का फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज, नोट चेंज नहीं हो रही है, आपको अपने हाथ से क्लिक करना, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल खोलिए प्लीज, ये बहुत यूनिक सा मैजिक है, और इस मैजिक में मैम आप इस नोट को ले लीजिए प्लीज। हाँ हमको इस नोट को ले लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ नोट ले लीजिए, और यहाँ आ जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपका नोट आपके वो साथ मिल जाएगा। एक पहला सा मैजिक करते हैं मैम, आपको करना क्या है, इस नोट को टच करते हुए, मतलब ये नोट हमें टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके हमारी दो गज की दूरी रहनी चाहिए। हाँ हाँ मैम, करना क्या है, आपको सबके सामने इस नोट का नंबर बोलना है, माइंड में, मोबाइल में, या पेन से, हाथों में आप नोट कर सकते हैं, सभी लोग तैयार है? तो मैम नंबर बोल दीजिए, पूरा बोल दीजिए मैम, 9AE06540। रिपीट फिर से नंबर, 9AE056। हो गया, एक बार हम बोल देते हैं यूनिक से नंबर को, ये यूनिक से नंबर है 9AE, 9AE उसके बाद है 0654।
404 यानी 065404 065404 क्लियर नोट कर लिया मैम सबके सामने नोट उल्टा खोल कर ऐसे बहुत सही मैम सबके सामने लोगों को दिखा दीजिए और एक बार फिर से उल्टा खोल के नहीं गांधी जी ऊपर रहे ये मैम अब आप वो सब पंच कर दीजिएगा नोट को ठीक है सबके सामने आपको लिखा मैम पैक करना है पैक कर दीजिए जल्दी से पैक करिए पास पास चपका दीजिए उसको बराबर और मैम इसमें रख देना है आपको रख दीजिए बराबर बराबर अब बोलिए आबरा गडाबरा गिली गिली छू आबरा गडाबरा ऐसा बोलती नोट दो गुना हो जाएगा सौ गुना हो जाएगा मगर आपने लिफाफे पर किसी का नाम लिखा हुआ है ओह नो ऐसा कैसे होगा मैम आप इसे बाहर निकाल लीजिए जल्दी से बाहर निकाल लीजिए बोलो मार्का लो भैया हाँ आप इस मार्का से आप उनका नाम लिख दीजिए जिनको आप भेजना चाहती हैं हाँ ये नोट और उस पर ऐसा क्रॉस करना है मतलब गुना गुना लिख के एक गुना दो गुना सौ गुना हजार गुना आप लिख सकती हैं आपको हाँ रखना नहीं है हाथों में रख के लिखना है लोग सोचेंगे मिक्स हो गया वहां पे लेडी नहीं की बात ठीक नहीं मैम जल्दी से लिखिए उधार पैसा क्लियर हो जाएगा आज तो बहुत यूनिक सा मैजिक है अब देखते रहिए सर आप बैठ जाइए आप सबसे खड़े ही हैं प्लीज जो भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत मजा आने वाला है पार्टी बहुत देर तक चलने वाली है तो जो भी पहले से मेहमान आए हुए सभी लोग बैठ जाइए तो दूर तक दिखेगा अभी मैं मार्कर वापस कर दीजिए मालूम चला नोट अगर डबल लेंगे तो मार्कर चला जाएगा हमने जी इसे गुणा करके उनका डिजिट लिख दीजिएगा गुणा कर दीजिए क्रॉस बना दीजिए और डिजिट लिख दीजिएगा हाँ डिजिट मतलब 1 2 3 4 100 1000 2000 भी पता नहीं बजा गया मैम ठीक है हाँ मैम करना क्या आपको लिफाफे को ऐसे पकड़ना है कोई गलती नहीं होनी चाहिए तो बहुत यूनिक ये मैजिक है मैम गौर से देखिएगा आपको करना क्या है जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है मैम करना क्या है जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है आपको सबके सामने ये पापा इसमें रखना है रखिए 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 अब बोलिए आबरा गडाबरा गिली गिली एंड्रू ऐसा बोलते ही ये नोट दो गुना सौ गुना जितना आप चाहेंगी उतना ही इसमें नोट था इसमें नोट था वेट मैंने आपसे कहा था लिफाफा रखना है आपने नोट रख दिया हंसने की बात नहीं है पहले बात सुनिए भारतीय अरण्य और धाराओं के आधार पर भारतीय मुद्रा जलाना दंडनीय कारावास सजा और जुर्माना जैसे आप बॉम्बे पहले से जाएगी जो भी पहले से मेहमान वाली वीडियो बना रहे हैं ये वायरल कर चुके होंगे एक लाल बत्ती और नीली बत्ती वाली गाड़ी भी आपका वेट कर रही होगी इस टाइम और वो जो लाल बत्ती वाली गाड़ी है वो आपको नैनी तक ले जाने के कार्य करेंगी नहीं नहीं क्योंकि यहाँ पे भारतीय अधिनियम और धाराओं के आधार पर आपने भारतीय मुद्रा को जलाया है और सबूत भी यहाँ पर है और ये आपने ही जलाया ये भी सबूत है सबके पास पहले से पकड़िए और इसे अपने पास रखिएगा और जब नैनी आप जा रही हो तो रास्ते में गंगा माँ के दर्शन मिलेंगे आपको वहां इसे प्रवाहित कर दीजिएगा जिससे कि विसर्जन क्या हुआ हाँ आपको विसर्जन कर देना है जैसे ही आप विसर्जन करेंगे जैसे ही आप विसर्जन करेंगे इस नोट में जुड़ी हुई जो भी यादें होंगी वो भी यादें भाई साहब की यादें होंगी वो भी उसके तहरेंगे एक काम करते हैं मैम आपको बजाने के लिए कोई है क्या जो आपको केस लगा सके बुला लीजिए मैम को बुला लीजिए मैम को बुला लीजिए
मैम को बुला लेते, मैम प्लीज क्या होती है आइए मैम मैम आप झूठ बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? अच्छा मैम आप झूठ बोलती हैं? क्या बात है कि बहुत झूठे लोग मिल गए यहाँ पे, अच्छी बात है। और जो भी पहले मेहमान है हमारे प्लीज बैठ जाइए प्लीज, क्योंकि पीछे वाले देख नहीं पाते, तो प्लीज कैमरा मैन भैया आप भी साइड आ जाओ, जो बीच में है लोग वो भी इधर आ जाए जिससे कि लोग दूर तक हमें देख सके। मैम अभी झूठ बोलने का कोई मन तो नहीं है आपका, सबके सामने आपको इस पर टिश्यू पेपर रखना है, पीछे पीछे आपने क्या रखा है? टिश्यू पेपर। आप मैम को जानती हैं, मैम आपको बताना चाहेंगी, मैम आप बताइए इसमें क्या? कुछ नहीं बोला क्या लोग मजाक क्यों उड़ने लगता है? मैं ये पकड़िए और इधर फिर रख दीजिए, इतना सीरियस मैटर है कि नोट चल गया है। हाँ ये बर्थडे पार्टी यादगार हो जाएगी अगर मैम नहीं गई तो। मैम आप बताइए आप झूठ बोलिए थे। मैं ये पकड़िए, मैं इसे रख दीजिए, आपने क्या रखा है? तीस रुपये पर आपना कड़ावरा के लिए चुका। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं, आप इधर आइए मैम, आज अंशुमन का बर्थडे है इस वजह से मैजिक हो रहा है इस जगह पे, मैम आप इधर आइए। अच्छा आपसे झूठ नहीं बोलती है, भैया ने अलग बात बोला है कि वो बहुत बोलती है। मैम ये पकड़ी और इसमें रख दीजिए, आबरा कड़ाबरा गीली गीले छू। मैम आप बताइए क्या दिखा दूँ? जादू करने में आया था बस मेरा मजाक बन रहा है। एक काम करते हैं, वो नोट आपको दिख गया तो बाहर निकल जाए, बहुत देर हो गया, बहुत लेट हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है कि अंशुमन के बर्थडे पे टिश्यू पेपर नोट बने तो सारे टिश्यू पेपर हम नोट बनाएंगे आपस में बांट लेंगे, पार्टी बेहतरीन हो जाएगी। ओके मैं मेरे पकड़ी इस पर रख दीजिए, बस बस रख दीजिए, आवरा कड़ावरा गिले गिले छू। मैम आपको दिख रहा है आप बाहर निकले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टिश्यू पेपर नोट बने, ऐसा कभी हुआ है? नोट का नंबर चेक करते हैं। हाँ मैम आप जिस खुशी से बता रही हैं उसी खुशी से आपको रहने जाना पड़ेगा कि नोट को जो चल चुकी है, हकीकत में ये दूसरी नोट है, ये नोट की पड़ोसी आत्मा है। एक काम करते हैं, बन ही गया है तो 250 में बांट देते हैं, हो जाए मैम ऐसा कहीं बांटता है। एक काम 250 बांट देते हैं सर, फुट कर रखा है 250 में आपने, 250 का फुट कर देखिए पास होगा पैसा होगा, देखिए चेक करिए, हाँ देखिए हिसाब भी हो गया दोनों सर, 250 रुपये दे दीजिएगा मैम। क्या बात है पूरा हिसाब, क्या बात है, देखिए आइए सर 250 मैम को दे दीजिए आप, मैम आपको 250 का फायदा क्या है? 500 मैम को दे दीजिए आप, मैम 500 मैम को दे दीजिए। अब देखिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, फायदा करा थैंक यू बोल दीजिए, वेलकम मैम वेलकम। आपको भी 250 का फायदा होगा, आप वहाँ पर 250 नहीं नहीं आप 250 वहाँ देंगे तो 250 का फायदा मिलेगा, वहाँ पर 250 बाहर है इसमें रख दीजिए। हाँ अपना कड़ा वाला गिरी गिरी छू, मैं बाहर जल्दी से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए जल्दी से, बाहर निकालिए निकालिए, बांट दीजिएगा फुटकर वाले भैया को, फुटकर बराबर दे दीजिएगा जिससे कि पैसे का लेन देन सही रहे, जब पैसे का लेन देन सही होगा तो आपस में व्यवहार सही होगा, बात ठीक नहीं? ऐसा करा आपको भी मैंने एक बार जोर तक गायब हो जाए इफेक्ट मैजिक के लिए, एक बार जोर तक ताली हो बहुत ही क्लियर साहब है, हम लोग पैसे का लेन देन बहुत सही रखते, एक यूनिक सा मैजिक करते हैं आपके साथ, इस मैजिक को आप लोगों ने इतिहास बहुत टैलेंट ने देखा होगा, सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आपके साथ, जैसे कि पानी का मॉडल है ना, कि किस रूप का नहीं अन्ना 500 रुपये नोट दिया भैया मैम, कुछ बोलिए आप खोलिए मैम, खोलिए मैम खोलिए, देखिए हिसाब ले रहे हैं भैया, ये पानी का बोतल है पता नहीं क्या है, हम चेक कर लेते हैं ये है क्या, हाँ पानी है, एक बार जोर लगा बजा पानी है, मैं वैसे ठीक इस मैजिक को आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, इंडिया बहुत चैलेंज है, सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आपके साथ, जैसे कि कैसे हमारे पास ये दो ग्लास है मैम, आपको दोनों ग्लासों में बराबर वाला पानी भरना है, भर दीजिए डाल दीजिए, डाल दीजिए मैम डाल दीजिए,
थैंक यू सो मच मैम, बटोला कर दीजिए और मैम इसे आप पकड़ लीजिए, हाथ आगे रखिएगा, पीछे नहीं करिए, हाथ आगे कर लीजिए, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, जैसा हम करते हैं वैसा आपको करना, उससे पहले आपको 30 सेकंड आके बंद कर दिए। सर आपको बुलाना चाहेंगे, आप भी आना चाहेंगे क्या? आई सकते हैं आपको नहीं करना हम करते हैं वैसा करना, थर्टी तक आगे बढ़ते क्लोज आइज फिर सामने करिए, आगे बंद करिए मैम, आप बिल्कुल आगे खोला नहीं, आप फिर सामने करिए, रियली फिर हाँ फिर सामने ऐसा करना, रेडी वन टू लास्ट एंड थर्ड, ऐसे मान सब रखिए, स्लोली स्लोली चेस्ट फोल्ड पांडे ले गया तो दुर्गा डाल दो, वन टू थ्री, जो निकला बोला क्या बात है मैम का मैजिक, एक यूनिक सा मैजिक और करते हैं आपके साथ। इस मैजिक को आप लोगों ने इंडिया गॉट टैलेंट में देखा होगा, अभी हुनर हाट में भी दिखाया गया, सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आपके साथ। मैम आप भी आराम से आ रही, अच्छा अच्छा बुला लेते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आराम से आइए, एक यूनिक सा मैजिक लो, चलिए आइए मैम प्लीज, कम चलिए चलिए आइए मैम प्लीज, कम इस मैजिक को आप लोगों ने इंडिया गॉट टैलेंट देखा होगा, सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल बायर है, नॉर्मल बायर, और मैम आपको यहाँ आना है, हाजिर प्लीज, और फिर सामने कर लीजिएगा, हमारे पास एक नॉर्मल बायर है, दिस इज अ नॉर्मल बायर, मैम आपको करना क्या है, आपको ऐसा पकड़ना है, पकड़ लीजिए इसको भी, पकड़ लीजिए और ऐसे खींचे रहिएगा, ऐसे पकड़ लीजिए। अब ये मैजिक है, इस मैजिक के लिए हमारे पास कुछ प्लेइंग कार्ड है, सर ये नॉर्मल प्लेइंग कार्ड है, हमें चेक कर लीजिए, नॉर्मल प्लेइंग कार्ड है एकदम नॉर्मल, सारे पत्ते अलग अलग कॉमन रहती है, मार्केट में अवेलेबल है कोई भी प्लेइंग कार्ड, इसको सफल कर देते अच्छे से, इसको अच्छे से सफल कर देते, एनीबडी कोई एक कार्ड आपको टच करना है, जहां तक टच करेंगे आप बताइए, टच करना है कहां से, यहां से, यहां से इसको अलग कर देते हैं, यहां हमने और रखने के बाद वेट कार्ड को हम यहां पर देते हैं, वो कार्ड क्या है हमें पता नहीं है, वो कार्ड मैम आपको पता नहीं है, एनीबडी किसी को पता नहीं है, ओके वेट, मगर मगर बोलना, अभी आपको मौका मिलेगा उस कार्ड को सिर्फ आपको देखना है और किसी को बताना नहीं है, आप देख सकते हैं अकेले, देखिए सर आपने किसी को दिखाना नहीं है, हाँ देख लिया, ना रख लीजिए दोबारा रख लीजिए, वो कार्ड क्या है किसी को पता नहीं, बड़ी किसी को पता नहीं है, अब आप आसान हाँ, अब जैसा हम करते हैं वैसा को करना है, हाँ हमारे पास थोड़ा सा टिश्यू पेपर है और वो कार्ड क्या है आपको पता है, अभी किसी को पता नहीं है, अब वो काम मैम के पास एक वायर है, सर आपको करना क्या, आपको अपनी केमिस्ट्री से आपको एक कार्ड का जो डिजिट है आपके माइंड में है वो मैम को देखना है, अपनी आंखों से आंखों में मैम को बताना है, आप फिर सामने के लिए टिश्यू टिश्यू मैम आप सर को देखिए, मैम सर आप मैम को देखिए और उस कार्ड को आप मन बताइए, बिना बोले बिना इशारा किए सिर्फ मन से, मन की आवाज से भेजिए,
रेडी स्टार्ट नाउ। सर गजल नहीं ला रही, मंत्र ला रहे हैं मंत्र। जैसे लोग याद करते नहीं। हाँ सर मुझे मैं पहुंच गया। क्या बात है, जो लग रहा हो जाए पहुंच गए। अब बहुत यूनिक सर ये मैजिक है। अब ये कार क्या है हमें पता नहीं है। अब बहुत ही प्यारी जोड़ी है और इस जोड़ी का ये प्यार अब तो बहुत देखिए इफेक्ट ऑफ मैजिक। इस मैजिक को अपने इतिहास डॉट डालने में लिखा हुआ सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। गौर से इस कार को हमने यहाँ पर एक आग जलाई। मैम के पास नॉर्मल वायर है। जब सर बता रहे थे ये वायर भी समझ में आ। अब गौर देखिएगा इफेक्ट ऑफ मैजिक। मेरे हाथों को गौर देखिएगा। आपका कड़ावला गिरी ब्रिज गौर से देखिएगा इफेक्ट ऑफ मैजिक। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। ये है जोड़ी की पहचान। क्या बात है, जोर निकला बजा इफेक्ट ऑफ मैजिक। ये बहुत यूनिक सा मैजिक है। आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। ये देखिए नॉर्मली एक बार है और ये बना हुआ है। तो ये बहुत यूनिक सा मैजिक है। अब थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत यूनिक सी केमिस्ट्री है और यूनिक सा ये मैजिक भी हो गया इस पहले की केमिस्ट्री से। एक मैजिक और करते हैं। हम बुलाना चाहेंगे कोई यंग फैमिली के पास आते हैं। प्लीज ज्वाइन दिस शो। जल्दी ज्यादा मेरे पास बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आइए सर प्लीज कम ऑन। आइए सर मैम को बुला लीजिए। मैम बस यही मैम को बुला लीजिए प्लीज। आइए सर प्लीज कम ऑन जल्दी जल्दी मेरे पास क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की नाइट में। चलो सर जरूर याद कर देंगे। आपके साथ इतना भी तो आप लोगों ने हो पुनर्वास पे देखा होगा। कलश टीवी पे सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आप लोग के साथ। जैसे पहले मैं आपको पानी लिया जैसे आसमान के बदले पानी है इस तरह सुतली मैं आपको पानी दे रहा हूँ। उसमें ढेर सारे ड्रिंक के ऑप्शन है। क्या पीना चाहेंगे? दो चीज देखिए मेरे पास अभी जो है आपके लिए है ऑलि फॉर ऑप्शन आपके लिए जैसे कि टी ग्रीन टी कॉफी मिल्क शेक लेमन सोडा फूड बियर ये मैम आपके लिए। सर आपके लिए है बियर बिस्की वाइन गम कॉकटेल वोडका सर बहुत सारा। एनीबॉडी कोई एक कार्ड मैम निकालेगी। एनीबॉडी कोई एक कार्ड मैम निकालेगी बिना देखे मगर बगैर वो ड्रिंक पहले से यहाँ रखा है। क्या मेरी बात का विश्वास है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो रियलिटी है ये कार्ड ढेर सारे हैं इसमें से कोई एक ड्रिंक नहीं हो सकता है। जो रियलिटी है गौर देखिए मगर इस मैजिक को करने के लिए वो ड्रिंक मैं मैम को दिखाऊंगा सॉरी सबको दिखाऊंगा मैम नहीं दिखेंगी। ओके अभी क्लियर होगा। मैम आप आगे आगे देखिए आप फेस सामने करिए आंखें बंद करिए क्लोज साइड। मैम बिल्कुल भी आंखें खोली नहीं ईमानदारी से क्योंकि ये मैजिक आप पे निर्भर है। अगर आपने आंख खोल दिया तो फिर रिलीवल हो जाएगा मजा नहीं आएगा। गौर से देखिए
मैं बिल्कुल आगे बोली नहीं है, आगे हाथों बंद कर लीजिए। हाँ मैं बिल्कुल बोला नहीं है। अब गौर से देखिए, गुड ड्रिंक ये देखिए, गौर देखिए, वो ये ड्रिंक मैम बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही मैम, ये वो ड्रिंक है। और सबके सामने उस ड्रिंक को यहाँ रखते हैं, ये देखिए मेरा, मैंने रियलिटी में नहीं देखा है। और अब देखिए हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट कार्ड, गौर से देखिए सर, आप भी देखिए, मैम आपको नहीं दिखा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कार्ड है, अलग अलग, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, सब अलग अलग है, अलग है सर, हाँ कोई बोलेगा नहीं। अब सबके सामने मैम उस दिन का नाम इस कार्ड से निकालेगी, मैम उपेंद्र आए, आप सर आगे चले जाइए, मैम आप पीछे जाइए, और कोई एक कार्ड एनी बडी, कोई एक कार्ड आपको टच करना है, जो आप टच करेंगे वो कार्ड मैम आपको बाहर देखा, कोई यहाँ से देखिए इसको अलग कर देते हैं, ये हमने इसको अलग कर दिया, आप इसको पढ़ लीजिए, बोलिएगा नहीं, पढ़ लिया आपने आप सभी लोग तैयार है सुनने के लिए? मैं भाजिया जी, और उस ड्रिंक का नाम बता दीजिए। काला खट्टा। रिपीट दिस नेम, काला खट्टा। फिर से एक बार, काला खट्टा। मैम आगे जाइए प्लीज, क्लोज आइज, इमेजिन, मैम आगे खोले नहीं, आगे हाथ बंद कर लीजिए। अभी गौर से की ऑर्डरिंग अभी भी यहाँ पर रखी है, मैम पे मैजिक करेंगे, मैम पतन की ड्रिंक का नाम बोल रही है, और ऐसा बोलते ही मैम इसी ड्रिंक का नाम बोलेगी जो यहाँ रखा हुआ है। गौर से की आवरा का आवरा के लिए पूछो, इसको हमने यहाँ रख दिया, ओपन द आइज मैम, अब उस ड्रिंक का नाम बताइए। हमने आपसे कहा था उस कार्ड पे जो ड्रिंक होगा वही यहाँ पे होगा, वही मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग सुनिए, मैंने आपको जो दिखाया, मैंने जो देखा, जो यहाँ पर है वो क्या है? ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। बिल्कुल वो ऑरेंज नहीं, वो सर ने जो बोला था काला खट्टा है, बच्चों लग रहा है काले खट्टे के लिए, काला खट्टा यहाँ रखा हुआ है, काला खट्टा यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऑरेंज, ऑरेंज कौन बोल रहा था, किसने दिखाया ऑरेंज, ऑरेंज किसने दिखाया, कहाँ पे है ऑरेंज, कहाँ पे, किसमें, बिट 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 बिट, ऑरेंज है कहाँ पे, ये तो बताइए आप लोग, इसमें है, इसमें है, रियली रियली बिट बिट बिट, ऑरेंज कहाँ, बोलिए तो सही, इसमें है, मगर मैंने तो ऑरेंज दिखाया नहीं, मैंने पहले आपको दिखाया उस रूप से, आप प्रूफ है कहाँ पे, बिट बिट बिट, मैम इसे हम पकड़ते हैं, पहले तो ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ऑरेंज को बता रहे हैं, आपने भी नहीं दिखा, मैंने भी नहीं दिखा, मैं शुरू से काला घटा दिखा रहा हूँ, मैं इसे पकड़िए और सबको कल भी दिखा दीजिए, कोई विश्वास नहीं मान मानेगा, ये है इफेक्ट ऑफ मैजिक, अब प्रूफ भी दिखेंगे तो काला घटा ही दीजिए आपको, ये बहुत जोर रख लिया बड़ा इफेक्ट ऑफ मैजिक के लिए, थैंक यू सो मच मैम। अब गौर से देखिएगा मेरे हाथों, थैंक यू सो मच मैम, आप सभी तैयार हैं, तो गौर से देखिएगा मेरे हाथों को, आप सभी लोग तैयार हैं, आर यू रेडी, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ऑन तो तैयार रहेगा मेरे हाथों के लिए, मैं देखो
वही देखते नोट चालू से पता कैसे बन गया बीच में ये नोट चेक करना चाहेंगे तो मैम आप आई नोट के लेंगे। अच्छा आप आएंगे मैं आपके बीच में रहता हूँ और आपके बीच में ये वही नोट है या भारतीय अधिनियम की धारा है अभी भी आपके खिलाफ है। देखो जो निकला मेरे फिर तो मैजिक के लिए और घर का कितना नोट था भैया नोट आ गया भैया आइए 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 आपके जरूर आ जाइए आइए आइए नंबर लेकर मैच करते हैं मैच करके आपको नहीं तो कोई बात नहीं चार चलो ये मेरे बड़ी बात है चार बस मेरे आइए मैम आइए सर एक बार नोट का नंबर चेक करिए ये वही नोट है या आपकी नोट चेंज हो चुकी है या कहीं चली गई है। 9A06504 वही है एक बार जोर से थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर। अब एक यूनिक सा मैजिक हम करते हैं आप लोगों के साथ इस मैजिक को भी आप लोगों ने देखा होगा इस मैजिक को भी देखा होगा आप लोगों ने डांस बॉय टैलेंट में तो सेम मैजिक हम करते हैं आपके साथ तो हम बुलाना चाहेंगे टैलेंट फैमिली कपल को आप में से कोई आ जाए जो ना आए हो हमारे बीच में टैलेंट फैमिली कपल आप बुला लेते हैं आइए सर आइए सर प्लीज कम आउट प्लीज आइए सर वीडियो चल रही मेरी हां पापा जल्दी जल्दी पापा आने वाला है इस मैजिक के लिए करना क्या होगा मैम सर जी पर उसकी पकड़ लीजिए मैम आगे पकड़ लीजिए और जोर से खींच के चिपकनी है मजबूत है कि नहीं मम्मा का मना मारा सब छोड़ना नहीं है और मैम आपको भी छोड़ना नहीं है मैं वाले जो इसमें छोड़ दिया था सर इस बार हाँ इसका भी से ध्यान रखिए मजबूत है हाँ अब गौर से देखिएगा इफेक्ट ऑफ मैजिक हम यहाँ पर बैठते हैं ये काम करते हैं हम यहाँ पर बैठते हैं इस मैजिक को आप लोगों ने इंडिया स्वर चैनल में देखा होगा सेम इफेक्ट सेम मैजिक हम करते हैं आप लोगों के साथ यहाँ कुर्सी रख दीजिए थोड़ा और आगे रख दीजिए ना जी जी देखिए मैं वहां पर बैठता हूँ मैम आपको माइक पकड़ना है बोलने के लिए मेरे दीजिए और कसे काट लगे सर कसे काट लगे हिला बिल्कुल नहीं मानिएगा कसे काट लगाइए बिल्कुल हिला नहीं करिएगा कस के काट लगाइए हाँ लगाई 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 कोई दिक्कत और कसिए जितना हो सके आप बेहतर कसिए हाँ सर पाई का हो लगा दीजिए सर लगाई लगाई कोई दिक्कत सर आपने ढीला नहीं बांधा है मुझे नहीं लगता कि आपने ढीला बांधा होगा मेरे हाथ में बना रहे हैं आपने ताकत लगा दी पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे भी लगा कि आग और एक अस्सी नोट मांगा अरे उन्हें नेताजी की ताकत है नेताजी वाली ताकत है वो सर देखिए आपने मुझे बांध दिया है मैं ओनली फॉर टू मिनट ये निकल के बाहर दिखाता हूँ वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री सर आपने कसके बांध दिया मेरे को तो हम नहीं लिखा मेरे को सर एक रुमाल है सुना दीजिए प्लीज सर ये नहीं दूसरा मेरा वाला आप सर सर इस कपड़े को आप पहले चेक कर लीजिए खेल होने से पहले ही चेक कर लीजिए इनसे ब्लेड आ रही चेक को निकलने का ऑप्शन है एक्स्ट्रा हैंड को याद रखिए ऐसा बनना कि हाथ नहीं खुलना चाहिए हाथ खुलता तो मैजिशियन वाला होता हाथ नहीं खुलना चाहिए ऐसा
पहुंचना, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। सर ये माइक तो मैम की, मैंने कहा आपने मैम से क्यों ले लिया? गलती हो गई भाई। हाँ ये गलती नहीं कर दीजिए, आपको वापस कर दीजिए। नहीं वापस नहीं कर रहे, आप कपड़ा वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। हाथ खोलता तो मैंने क्या मारूंगा, हाथ ही आपके माइक मैम हाथ पकड़े हुए थी। हेलो लंबा जोड़ा अचमन होगा, एक काम करते हैं आपको आखिरी बार, हमारे पास खिलौने बहुत होंगे, दो आपको मेरा मैजिक क्यों कैसा लग रहा है? गूगल पे जाके सर्च करिए मैजिशियन योगेंद्र योगी, मेरा फोटो दिखेगा आपको, उसका रेटिंग का ऑप्शन आता है, सारे में क्या रेटिंग कम से कम दे दीजिएगा, और मैजिशियन इन पैरा के नाम से जब सर्च करेंगे तो उसमें भी रेटिंग का ऑप्शन आता है, तो फाइव स्टार रेटिंग कम से कम दे दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको थैंक यू बोलूंगा उसमें, थैंक यू सो मच गरीबान। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एक प्यार से इफेक्ट आपके बीच में, उसके बाद हमारे पहले से बसने बॉय अश्मन, जिसका टेंथ बर्थडे हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही अंदर से बसते हैं, कोई बंदा गोल्ड बंदा या फिर डायमंड बंदा तो उनमें से है अतुल जी, जिनका नेचर स्वभाव बहुत ही प्यारा है, जैसे लगता है कि हम जन्मों से रह जाते हैं, इनकी एक क्वालिटी है इसके लिए कि लगता है कि बहुत पहले से जानते हैं, उनका बहुत पुराना रिश्ता है, तो बहुत ही अच्छे 90% बहुत यूनिक पर्सन है, एक यूनिक सा मैजिक हम करते हैं आप लोगों के साथ म्यूजिक और वैसे ये डेकोरेशन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा करो, ये बैलून अनलिमिटेड ट्राइवास का है, तो ये भी मेरी कंपनी है, बहुत यूनिक कंपनी है, आप इसे भी अपना हाई विचार लोगो दे सकते हैं, जिससे कि हमारी इस कंपनी को ग्रोथ मिले और आदत से यूनिट से फायदे आप बराबर करते रहे। अब इस कारण से मैजिक करते हैं आपके साथ, इस मैजिक पे हम बुलाना चाहेंगे आप में से किसी एक को, जैसे कि हम बुलाना चाहेंगे एनीबॉडी, पीछे से कोई आ रहा है, नहीं मैं बुलाता हूँ अपने तरीके से, कोई भी हमारे बीच में कोई यंग आ जाए जो थोड़ा पहले वाला है, क्या बात है, मैं छोटे काम से फिर के लिए आइए सर, प्लीज कम आउट चीज, आइए सर, सर आइए, आइए सर प्लीज कम आउट चीज, थोड़ा सा चाहिए पहला तो सर, आपका नाम क्या है? आई मीन द बैठिए सर, देखिए हमारे बीच में नितिन सर बैठे हुए हैं, एक बार छोटा क्रैप हो जाए, जिसमें ऐसी कोई इंडिया जो चैलेंज में मनोज का अरोड़ा की पिक किया गया, सेम इफेक्ट के मैजिक हम करते हैं सर के साथ, सर देखिए सर अब आपको किसी को नहीं देखना, फिर आपको हमको देखना है, ठीक है? ऐसा होगा कि आपको आपके बचपन में लेके जाए, ठीक है? ले जाएगा इंपॉर्टमेंट,
नितिन जी आप एक बंद अंधेरे कमरे में बैठे हैं, यह हॉल नहीं, ये अंधेरा कमरा है और अंधेरे कमरे में एक सीढ़ी है जो सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है, दिख रही है? आदमी बोल रहा है, हाँ बिल्कुल आगे बंद नहीं किया, अभी सस्पेंस खत्म हो जाएगा फिर से जी, आप एक बंद अधूरे कमरे में है और उसमें सीढ़ी सीढ़ी हम उस सीढ़ी नाम कर रहे हैं हमारे पास एक कार्ड है, आपको सब पढ़ना है, सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई बोलेगा नहीं बिल्कुल। और नितिन भैया जो बहुत दूर और धैर्य सम्मेलन को हंस रहे हैं वो सबसे समय पढ़ के बताएंगे क्या दिखाएंगे, बोलेगा नहीं कोई बोलेगा नहीं मतलब बोली उस कमरे में क्या करते सब कुछ घर पर जा नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं एक यूनिफॉर्म रेडी करते हैं इनके साथ क्लोज आए जिस अंधेरे कमरे में भाई साहब निकल जाइएगा नहीं तो फंस जाएंगे, हमके बाद खुद चाहिए बाद में आप फिर फोन करेंगे मेन रोड उठाएंगे आपसे क्लोज आए लेकिन इसलिए ऊपर आने की दिखी है ठीक है फोर शोर कुछ और नहीं जा रहे हैं आप पढ़िए कोई बोलेगा ठीक है सही से पढ़िए और ब्रदर आप पढ़िए एजुकेशन एक फिर से पढ़िए और ब्रदर एजुकेशन एजुकेशन क्या बात है आगे वापस आए सारे चले गए वापस आए पेपर छोड़ तो क्या बोला इसमें कम मैंने के लिए मंदिर रहने के लिए बहुत यूनिक था ये मैडी था।